तरफ दिखाई देगा इंडिया का मशहूर गेंडा और इनके बारे में। इस घने जंगल में जिराफ भी अंकल? नहीं, जिराफ सिर्फ अफ्रीका में होते हैं। पर आप सब बाईं ओर देखिए, खूबसूरत मोर नजर आएंगे जिसके बड़े। अच्छा, यहाँ क्या पोलर बेयर्स हैं? नहीं, पोलर बेयर्स सिर्फ बर्फीले इलाकों में होते हैं। लेकिन अपनी दाईं ओर नजर डालिए। तो क्या यहाँ पर डायनासोर हैं? डायनासोर? ये वाइल्ड लाइफ जू है जहाँ पे सामान्य जानवर दिखते हैं। कोई हॉलीवुड का पार्क नहीं जहाँ डायनासोर दिखे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोरिल्लास हैं। कहीं आप अपनी पत्नी को देखकर तो नहीं कह रहे सर? हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। दूर दूर तक गोरिल्लास का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो फिर वो क्या है? मैं हूँ राजीव राज, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व से लाइव। यहाँ से एक ड्राइवर और 6 पैसेंजर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। एक पैसेंजर जो किसी तरह बच निकले कह रहे हैं कि बड़े से गोरिल्ला ने हमला किया था। इस वक्त मेरे साथ हैं असिस्टेंट कमांडर ऑफ पुलिस। आप इस बारे में कुछ कहेंगे सर? डरिए मत, ये खुशी की बात है। ये केस मेरे हाथ में है और मैं इन गोरिल्लास को हैंडल करने में एक्सपर्ट हूँ। अपने लंबे और सफल कैरियर में मैंने कई गोरिल्लास को सलाखों के पीछे डाला है। पलक झपकते ही ये गोरिल्ला मेरे कब्जे में होगा और फिर आप कहेंगे कि ये एसीपी इंडस्ट्री का बेस्ट पुलिस कमांडर है। सबसे होनहार है, सबसे बहादुर और स्मार्ट भी, कुछ और कुछ तो मुझे हैंडसम भी कहते हैं। मैं बाद में खाऊंगी विहान, पहले मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ गोरिल्ला नजर आया था। लगता है कोई बड़ी कहानी हाथ लगने वाली है। क्या वाकई में लीना? देखकर तो लगता है कि सब कुछ एसीपी के कंट्रोल में ही है। वो इंडियन गोरिल्लास पर एक्सपर्ट हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में गोरिल्लास होते ही नहीं है। तुमने अब तक मेरी आंटी मारला को नहीं देखा। रुको, तो जैकॉल चाहते हैं कि हम पैसेंजर से भरी एक और गाड़ी को किडनैप कर लें। हाईवे की ओर चलते हैं। जैसा तुम कहो। ठीक, हंसना बंद करो बुद्धू, वरना तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। देखो, मुझे कुछ नजर आया। बिल्कुल मत डरना डिप्यूटी, एक काबिल और होनहार पुलिस वाले की निशानी है कि हमेशा शांत रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो एसीपी? ये इलाका आर्मी के अंदर आता है। बिल्कुल गलत, ये पुलिस के अंदर है और मैं इंचार्ज हूँ। तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये इलाका आर्मी के अंदर ही आता है। ये तुम्हारे घुटनों के कड़कड़ाने की आवाज है। नहीं,
ये उसके पैरों की आवाज। अब तू गया काम से। हाँ तू गया काम से, इन्होंने कहा मतलब गया। वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ है। ओ, जरूर ये काम बड़े गोरिला का है। इंडिया में गोरिलाज नहीं होते हैं। तो फिर वो क्या है? मुझे मत कहना कि वो। रिलैक्स बम्पी, ये तुम्हें नहीं खाएगा। है? रुको, वो मेरे केले। पकड़ लिया, अब मुझे मेरे केले वापस दे दो। गेंडा, इतना दौड़ोगे तो मेरा वजन कम हो जाएगा। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही लीना। मैं बम्पी को ले आता हूँ, फिर हम वापस लौट जाएंगे। गुड आइडिया विहान, तुम जाओ, मैं यहाँ पर रहकर कुछ फोटोज लेना चाहूंगी। क्या बात है विहान? मैं इस जंगल को लैब सैटेलाइट से स्कैन करना चाहता हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ नजर आए या कोई भी अजीब बात तो मुझे फौरन बताना। सुबह जमीन के नीचे दबी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। 950 डिग्री और अब भी काउंटिंग चल रही है। वैसे मेरी अक्ल और मेरी सूझबूझ के मुताबिक 1000 डिग्री बिल्कुल सही होगा, शक्तिमान को खाक में मिलाने के लिए। डरो नहीं, शक्तिमान हमें बचा लेगा। मेरे चेले का इंतजार क्यों करना जब शक्तिमान का गुरु यहाँ आ चुका है। तुम और गुरु, बकवास। तुमसे तो छोटा सा चूहा तक पकड़ा नहीं जाता। गलत कहा, ध्यान से देखो। आहा, मेरा दिमाग कहता है इस दरवाजे को खोलने का सर्किट ठीक इसी जगह पर है। पीछे हटाओ। रुको। दरवाजा काफी मजबूत निकला, वैसे बुलेट गई कहाँ? बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी मामूली बुलेट स्टील की आर पार नहीं जा सकती, इसके लिए कुछ और चाहिए। ये तो बच्चों का खिलौना है, इसे मैं नाखून भी साफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इसकी धज्जियां उड़ा देने के लिए है। मुझे लगता है कि अब हमें लीना के पास लौट जाना चाहिए। अपने केले लिए बिना नहीं लौटूंगा। देखो वो रहा। मिल गया केला। कोई भी जानवर मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात इतने यकीन से मत कहो बम्पी। मेरा वॉलेट।
वॉलेट दे दो। माय गॉड, मैं हूँ लीना रे, 24/7 से इस वक्त नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में हूँ। यहाँ पैरों के बहुत बड़े निशान नजर आए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जानवर के हैं या फिर किसी ने बनाए हैं। और मेरे लकी रीडर्स, आप मेरे साथ बने रहिए इस मामले की सच्चाई जानने के लिए। अब देखिए मेरा अगला कारनामा, सुपर हीरो की तबाही। तो दिल थाम के बैठिए। बिल्कुल सही चीज, वफादार शक्तिमान के लिए। जैसे ही ये पट्टा शक्तिमान के गले में पड़ेगा, उसकी सारी योगिक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद चलाऊंगा मैं अपनी अगली चाल। पैरों के ये बड़े निशान मुझे घने जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, वहाँ कुछ तो है। मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया। हा? बताओ टूरिस्ट और बाकी के किडनैप किए लोगों के साथ तुमने क्या किया? तो लेकिन हमने कुछ नहीं किया, इसने किया। मुझे सच में लगता है कि हमें लीना के पास जाना चाहिए। जाएंगे, पर पहले मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल जाए। वो आ रहा है। वेहान, अब नीचे कैसे उतरूं? बस रस्सी को धीरे से खोल दो। स्लोली। वेहान, लीना किडनैप हो चुकी है। क्या, कैसे? वो एक बड़े से रोबोट गोरिल्ला के अंदर है, जहाँ एसीपी डिगोजे और बाकी सब भी हैं, और वो रोबोट साउथ ईस्ट की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। अब वो बदमाश बंदर कहाँ चला गया? अच्छा तो यहाँ है, इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, मुझे लगा तुम वो बंदर हो। उसे ढूंढना होगा। सोचो अगर मेरा क्रेडिट कार्ड उसके हाथ लग गया तो क्या होगा? शायद अगर हम अलग अलग जाएं तो उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। तुम उस तरफ जाओ। ठीक है। डॉक्टर जैकॉल, अब हमें क्या करना है? बस इंतजार।
2 1 0 एक धमाकेदार फाइट के लिए सही वक्त पर आए हो शक्तिमान। जैकॉल कहीं तुम मेरे साथ फाइट करने का इरादा तो नहीं रखते? ना मैं नहीं, मैं जरा आराम के मूड में हूँ। इसके साथ गोरिल्ला ने बाएं हाथ से घूसा मारा और शक्तिमान फुटबॉल की तरह उछलता हुआ दूर जा गिरा। पर शक्तिमान ने उठकर गोरिल्ला को पछाड़ दिया मुंह पर घूसा मार के। शक्तिमान कहीं गलती से गोरिल्ला के पेट पर वार ना कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो गोरिल्ला के अंदर उसके फंसे दोस्त मारे जाएंगे। अब बाएं से, दाएं बाएं, क्या बात है? इसे कहते हैं पंचिंग पावर। तुम्हारा ये बड़ा खतरनाक जानवर उतना खतरनाक नहीं है जैकॉल। लगता है तुम चैंपियन हो शक्तिमान। तुम आ गए शक्तिमान। जल्दी फिसलते हुए यहाँ से नीचे जाओ। क्या मैंने चैंपियन कहा? मतलब था चिंपैंजी हो। जानते हो शक्तिमान, तुम फंस चुके हो। चूहों को चीज पसंद है, मछलियों को कीड़े, और तुम्हारे लिए बेस्ट चारा है बच्चे। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। कमाल की बात है ना, आजकल हर चीज के लिए एप्लीकेशंस बने हुए हैं। मेरे रोबोट गोरिल्ला ने दूसरों को किडनैप किया ताकि तुम यहाँ तक खींचे चले आओ। वैसे ये रोबोट गोरिल्ला नहीं है, ये तुम्हारा अंत है, तुम इसी में खत्म हो जाओगे। खत्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने कुदरत की मदद ली। शक्तिमान, तुम धरती के ठीक सेंटर में गिरने वाले हो। जब तुम नीचे टकराओगे तो वहाँ बनकर गायब हो जाओगे। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिघलने से पहले ये पत्ता पिघल जाए। खत्म कर दो डिगोजे और बाकी घुसपैठियों को। सिर्फ बड़ों को ही खत्म कर दो तो बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता। चुप करो। तुम सलाखों के पीछे जाओगे जैकॉल। ओ, तो तुमने वो कहावत सुनी ही होगी, बहुत फेमस है, 100 सोनार की 1 जैकॉल की। मुझे लगता है 1 लोहार की है। अब तुम मुझे सिखाओगे, अभी कहावत का मतलब समझाता हूँ। अरे रुको, हमें भी ले चलो। शक्तिमान, तुम सबसे शक्तिशाली और सबसे महान हीरो हो।
ये तो मेरा फर्ज है। हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शक्तिमान। आपको बचाकर अच्छा लगा। लीना, आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। लीना, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा दिन आए जब मैं आपको बचा ना पाऊँ तो मैं बचाने आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, मुझे इमरजेंसी में सबको संभालने की आदत है। मेरे पास पेपर स्प्रे है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं देखा, असली कमाल तो मैं दिखाता हूँ। गलत बटन। विहान, विहान, बम्पी, मैं यहाँ हूँ। बम्पी कहाँ है? वहाँ से बाहर आओ। मैं नहीं आ सकता। पर क्यों नहीं? पहले केले, फिर वॉलेट और अब कपड़े भी छीन लिए हैं। अरे ये कैसे हो गया? बहुत ही लंबी कहानी है।